अवसर प्राप्त हो योग रहा गुरु है। बाबा रामदेव बनेंगे हरियाणा के ब्रांड योगा एम्बेसडर। को राज्य के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज नरेंद्र ने मोदी जी हरिद्वार में के बाबा रामदेव प्रयासों से से मुलाकात कर योग और उनसे विभाग ने राज्य में योग और स्वास्थ्य आयुर्वेद को विभाग बढ़ावा देने के और अलावा खेल राज्य का विभाग ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हम अनुरोध हरियाणा किया, में जिस पर योग उन्होंने गुरु ने स्वीकार भी कर सहमति दे दी लिया है। कि बता दें कि अनिल हरियाणा विज में ने कहा है कि हरियाणा आयुर्वेदा को योग और और आयुर्वेद योगा में को विश्व का बढ़ावा देने अग्रणी के राज्य लिए बनाने के लिए काम का अवसर स्वामी प्राप्त हो रामदेव रहा है। आचार्य बालकृष्ण का मार्गदर्शन लिया जाएगा। योगा को राज्य के सभी गांवों और शहरों में व्यायाम और योगशालाएं बनाई जाएंगी और इनमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को योगा सिखाने के लिए प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि गांव स्तर पर योग को एक संपूर्ण क्रांति के रूप में उभारा जा सके। इसके लिए स्कूलों में कार्यरत पीटीआई अध्यापकों को योग के विषय में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में प्रशिक्षित करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा छोटे बच्चों को योग के विषय में प्रशिक्षित करने के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हरियाणा के आयुष विभाग में कार्यरत 550 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी पतंजलि योग पीठ में रिफ्रेश कोर्स कराया जाएगा, ताकि वो प्राचीन औषधियों के बारे में जानकारी हासिल कर मरीजों का उपचार कर सके। हरियाणा में हजारों एकड़ भूमि पर विश्व का पहला वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट बनाया जाएगा, जिसमें विश्व की करीब 50,000 से अधिक प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे। राज्य को विश्व में योग और आयुर्वेद की राजधानी के रूप में विकसित करने और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला में पतंजलि योग पीठ की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जाएगा। उन्होंने न्यूज़ पॉइंट स्वीकार ब्यूरो। भी कर लिया